वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर फोन व्हाट्सएप ट्रांसफर के बारे में। एंड्रॉयड से आईफोन और आईफोन से एंड्रॉयड पे आप अपना व्हाट्सएप का सारा डेटा सारे चैट जो है इस सॉफ्टवेयर की मदद से बड़े आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है व्हाट्सएप ट्रांसफर, अपने दोनों फोन जो है इसके साथ कनेक्ट कर देना है, ट्रांसफर पे क्लिक करना है और बड़ी आसानी से आपका एंड्रॉयड का जो सारा व्हाट्सएप का डेटा है वो आईफोन पे और आईफोन का सारा व्हाट्सएप का डेटा जो है एंड्रॉयड पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसका लिंक जो है सॉफ्टवेयर का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे उस पर क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हो और ऊपर आई बटन पे जो लिंक दिया है कार्ड पे उस पर जाके चेकआउट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर का फुल ट्यूटोरियल। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। आज आपको बताने वाला हूँ 10 हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स जो अपने आईफोन पे आप इस्तेमाल कर सकते हो जो कि iOS 13 पे चल रहा है। इसमें से कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है iOS 12 पे चलने वाले आईफोन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ या फिर दिखा रहा हूँ आपको आईफोन 11, लेकिन ये टिप्स और ट्रिक्स जो है आपके किसी भी आईफोन पे चल जाएंगे जो iOS 13 पे काम कर रहा है। तो अगर आपका आईफोन iOS 13 पे अपडेटेड है तो मैक्सिमम टिप्स और ट्रिक्स जो है आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इसका पार्ट 1 भी बनाया था, ये पार्ट 2 है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो पार्ट 3 और पार्ट 4 भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में पिन करके रख दूंगा। तो दोस्तों आइए हमारी जो पहली टिप और ट्रिक है उसके तरफ नज़र डालते हैं। पहली ट्रिक है कि आप किस तरीके से आप अपने आईफोन के अंदर ही कोई भी फाइल को जिप या अनजिप करके जो है किसी को भी सेंड कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको कोई जिप फाइल भेजा है तो उसको अनजिप करने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके आईफोन के अंदर जो डिफ़ॉल्ट एप्पल का खुद का फाइल्स एप्लीकेशन आता है जो कि फाइल मैनेजर होता है, उसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो है ब्राउज पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी आपने जो है उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके रखा है वो लोकेशन पे आपको चले जाना है। सपोज़ यहाँ पे मैंने iCloud ड्राइव में रखा है तो यहाँ पे चले जाऊँगा। अगर आपने सफारी से या ईमेल से उस अटैचमेंट को डाउनलोड किया है तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे एक zip फाइल है, इसको अनजिप करना एक क्लिक की देर है और ये अनजिप हो जाएगा। अगर मैं इस तरीके से इसको टैप करूँ तो यहाँ पे जो है ये zip फाइल अनजिप हो गई और इसमें जो 10 MB के फाइल्स है ये हमारे सामने आ गए। दूसरा तरीका है इसको अनजिप करने का, इस तरीके से जो है इसको प्रेस एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे आपको जो है नीचे अनकॉम्प्रेस नज़र आएगा, अनकॉम्प्रेस पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जो zip फाइल है ये अनजिप होके आपके सामने आ जाएगी। सिमिलरली दोस्तों, अगर आपको किसी को कोई फाइल या फोल्डर को जो है zip करके भेजना है, कंप्रेस करके भेजना है, तो इस तरीके से जो है इसको प्रेस एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे लिखा आएगा कंप्रेस और यहाँ पे जो है इसी फाइल की या इसी फोल्डर की जो है एक zip फाइल तैयार हो जाएगी। यहीं से जो है आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी दोस्त को और फिर जो है आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको या एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब आइए दोस्तों चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक्सटर्नल माउस को अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ब्लूटूथ माउस है या फिर वायर्ड माउस है, दोनों ही केस में कैसे आप कर सकते हैं वो मैं आपको इस ट्रिक के अंदर बताने वाला हूँ। अगर वायर्ड माउस है आपके पास तो आपको जो है इस तरीके का एक डोंगल लगेगा जिसके अंदर एक होगा USB पोर्ट और दूसरा होगा लाइटनिंग पोर्ट और दूसरे साइड में भी होगा एक लाइटनिंग कनेक्टर। तो इस वाले अडैप्टर को जो है अपने आईफोन के साथ आप कनेक्ट कर लीजिए। जब आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके आईफोन पे चार्जिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो लाइटनिंग पोर्ट है इसमें आपको कनेक्ट करना है अपना चार्जर। अगर ब्लूटूथ माउस है तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो USB पोर्ट में मैंने अपना ये वायर्ड माउस जो है कनेक्ट करके रखा है, जिसका यहाँ पे जो है ये लाइट नज़र आ रहा है आपको। तो ये माउस को जो है मैं यहीं पे साइड में रख देता हूँ। अभी हमको क्या करना है, अभी देखिए हमारे स्क्रीन पे जो है कहीं भी माउस हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो माउस का जो पॉइंटर है यहाँ पे कैसे ला सकते हैं, और ब्लूटूथ माउस अगर रहेगा तो उसका पेयरिंग मोड आपको ऑन कर लेना है और फिर आपको चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में आप जब चले जाएंगे तो आपको नीचे जाना है और आपको यहाँ मिलेगा टच। टच पे आप टैप कर लेंगे। टच पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे पहला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है असिस्टिव टच, असिस्टिव टच को जो है आप टर्न ऑन कर दीजिए। असिस्टिव टच के अंदर जो है आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा पॉइंटर डिवाइसेस। पॉइंटर डिवाइसेस के अंदर, डिवाइसेस के अंदर आप जब जाके चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ब्लूटूथ डिवाइसेस। अगर आपके पास ब्लूटूथ माउस है तो उसको पेयरिंग मोड में डाल दीजिए और यहाँ पे जो है आपको वो नज़र आएगा। यहाँ से टैप करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमने एक ऑप्टिकल माउस जो है वायर्ड वाला
वो कनेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे जो है ऑप्टिकल माउस में वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और आपको यहाँ पे कोई भी ट्रबल लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं माउस को यहाँ पे जो है हिला रहा हूँ, इसका पॉइंटर जो है हमारे स्क्रीन पे भी मूव हो रहा है, और इस तरीके से जो है आप अपने आईफोन के साथ अपने माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आप जो है सारे वो फंक्शंस कर सकते हैं ऑलमोस्ट जो आप आईपैड पे भी कर सकते हो। तो इसके जो ऑप्शंस है दोस्तों, आप जो है माउस कनेक्ट करके चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारी जो अगली टिप है वो है कैलेंडर एप्लीकेशन से रिलेटेड। कैलेंडर एप्लीकेशन के अंदर आप जो है किसी भी एक डेट को यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है आप एक सेट कर सकते हैं इवेंट। अब ये इवेंट सेट जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है काफ़ी इरिटेट कर सकती है। अगर आपने ये चीज़ की है तो आप जानते होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो टाइमिंग आप सेट करते हो इवेंट के स्टार्ट या एंड होने का, इसके अंदर जो है आपको जो इंटरवल नज़र आता है टाइम का, वो एवरी 5 मिनट्स का है। अगर आप चाहते हो कि 11:16 को आपका जो ये इवेंट है ये एंड हो जाए, तो आप जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली सेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो टाइम का ऑप्शन है मिनट्स वाला, इसको डबल टैप करना है और फिर जो है आप 1 मिनट के इंटरवल पे अपना टाइम जो है वो सेट कर पाएंगे। अगली जो टिप है दोस्तों वो है आपके फोटोज से रिलेटेड। सपोज आप जो है यहाँ पे एक फ़ोटो लेते हो, और फोटो लेने के बाद जो है आपको वो फ़ोटो इतनी खास नज़र नहीं आती। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक प्लांट का मैंने फ़ोटो लिया है, तो सिंपली आप इसको अगर ट्वीक करना चाहते हैं और आप फ़ोटो एडिटिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो भी आप अपने आईफोन से बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए बिना जो है ये चीज़ कर सकते हैं। बस आपको एडिट पर टैप करना है, यहाँ पे एडिट के अंदर जो है आपको ऑटो का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप ऑटो पे टैप करेंगे, आपकी फ़ोटो जो है वो ऑटोमेटिकली आपका आईफोन जो है ट्वीक कर देगा, उसकी ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो एडजस्ट कर देगा और आपके फ़ोटो को जो है बेहतर बना देगा। अगर आप इंडिविजुअली जाके ये चीज़ करना चाहते हो तो इंडिविजुअली भी कर सकते हो, ऑटो पे आपको टैप करने की ज़रूरत नहीं है। और ऑटो के अंदर ही अगर आप इस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो ये जो नीचे का स्क्रोल व्हील है इसको जो है आप आगे पीछे करके इसकी ब्राइटनेस वगैरह जो है एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल सेटिंग में जाए बिना। उसके बाद आपको बस डन पे क्लिक करना है और आपका फोटो जो है वो एडिट करके आपके सामने तैयार है। गाइज, आप जानते हैं आपके आईफोन में जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे कोई वेबसाइट को आप ब्राउज कर रहे हो उस टाइम पे आपको जो है फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट की जरूरत होती है, तो वो आप कैसे कर सकते हो वो भी बड़ा आसान है। रेगुलर जैसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो बस वैसे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया, इसको टैप कर लेना है और यहां पे आपको जो है दो ऑप्शन नजर आएंगे। एक है स्क्रीन, यानी कि जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है उतना ही, और दूसरा है फुल पेज स्क्रीनशॉट। तो यहां पे जो है फुल पेज स्क्रीनशॉट आपका आ गया। यहां से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो कि पेज का कौन सा हिस्सा जो है आपको स्क्रीनशॉट में चाहिए। इस तरीके से जो है आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, जिससे जो है पूरा वेब पेज अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। और डायरेक्टली यहां पे जो है ये शेयरिंग का ऑप्शन पे आप क्लिक करके डायरेक्टली किसी को भी एयर ड्रॉप, व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह जो भी आपको करना है कर सकते हैं। सेव टू फाइल्स करके एज अ PDF फॉर्मेट में आप अपने आईफोन में उसको सेव कर सकते हो, डायरेक्टली प्रिंटर को सेंड कर सकते हो या फिर कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। हमारी जो टिप नंबर 6 है दोस्तों, ये भी जो है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टिप है और आपको काफ़ी हैंडी आने वाली है। अगर आपको किसी ने कोई PDF डॉक्यूमेंट सेंड किया है या कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड किया है और आपको जो है बोला है कि उसको साइन करके जो है मुझे आप रिटर्न कीजिए, तो अगर आपके पास आईफोन है या आईपैड है तो आपको उसका प्रिंटआउट लेके साइन करने की ज़रूरत नहीं, आप डिजिटली उसको साइन कर सकते हो। जो भी आपको जो है ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से वो फाइल भेजता है, उसको सबसे पहले जो है अपने फाइल्स एप्लीकेशन में आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक PDF पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये PDF हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे ऊपर जो है राइट हैंड साइड में आपको जो है ये मार्कअप वाला ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आप टैप कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है नीचे प्लस आइकन नज़र आएगा, प्लस आइकन पे टैप कर लीजिए और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिग्नेचर। सिग्नेचर पे जब आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे सेव्ड सिग्नेचर भी नज़र आएगा, और अगर आपने सेव करके रखा नहीं है तो यहाँ पे ऐड और रिमूव पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जाके जो है एक सिग्नेचर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपकी साइन है वो आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है, ये सिग्नेचर आपकी यहाँ पे आ गई। अपने PDF फाइल पे जो है इसको लगा दीजिए इस तरीके से, यहाँ पे फिर से जो है आप डन पे क्लिक कर लीजिए, आपकी सिग्नेचर यहाँ पे ऐड हो गई। इसको इस तरीके से टैप एंड होल्ड कीजिए और यहाँ से जो है आप शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली अपने फ्रेंड को या जिसको भी आपको सेंड करना है। हमारी जो टिप नंबर 7 है दोस्तों, उसके अंदर आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है कोई भी लैंडस्केप में शूट किया हुआ जो वीडियो है, जैसे कि यहाँ पे एक वीडियो बताता हूँ, ये वीडियो लैंडस्केप में शूट हुआ है। जब आप ऐसे करेंगे तो ये आपको फुल स्क्रीन दिखता है, लेकिन अगर आपको इंस्टाग्राम के स्टोरी पे
या IGTV के लिए इस वीडियो को रेडी करना है तो आप कैसे कर सकते हो, बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। तो यहाँ पे आपको वीडियो पे टैप कर लेना है, फोटोज एप्लीकेशन के अंदर ही यहाँ पे एडिट लिखा है, एडिट पे चले जाइए और यहीं पे जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे क्रॉपिंग वाला। तो ये क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आपको जो है टैप कर लेना है, फिर ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो वाला ऑप्शन, तो इस पे आप टैप कर लीजिए और यहाँ पे आपको जो है अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो मिलते हैं। जैसे ये स्क्वायर है जो कि इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए आपको काम आ सकता है, फिर 16:9 है जो इसका ओरिजिनल है, और आप जो है यहाँ से कस्टम यानी कि फ्री फॉर्म में जाके जो है इसका एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हैं। सपोज आपको जो है ये वर्टिकली शॉर्ट टाइप का वीडियो बनाना है तो इसको जो है ऐसे आप कर देंगे और डन पे आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जो है आपके इंस्टाग्राम के लिए, आपकी इंस्टाग्राम स्टोरीज और IGTV के लिए रेडी हो जाएगा। अगली जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो भी जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ पे ले लेते हैं एक फ़ोटो और वो फ़ोटो जब हम किसी को सेंड करते हैं तो उसकी सारी लोकेशन इन्फॉर्मेशन जो है वो भी उसके साथ चली जाती है। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैमरा से शूट किए हुए फ़ोटो से भी आप कर सकते हो और आपके जो फ़ोटो एल्बम है उसमें रहने वाले फ़ोटो से भी आप कर सकते हो। जब आप शेयर पे इसको जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शंस करके नज़र आता है, ऑप्शंस पे चले जाएंगे तो यहाँ पे जो है आप लोकेशन इन्फॉर्मेशन जो है फ़ोटो की उसको हाइड कर सकते हो। एक बार आपने लोकेशन इन्फॉर्मेशन जो है हाइड कर दी, डन पे टैप कर दिया और आपको जिसको भी शेयर करना है उस फोटो को शेयर करेंगे तो वो बंदा जो है उसकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएगा। इससे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम बताएगी तो यहाँ पे क्यों गया था, वहाँ पे क्यों गया था, इस तरीके से आप लोकेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ कर सकते हैं और ये बेकार के सवालों से बच सकते हैं। अगली जो टिप आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपके वेब ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगी। सफारी अगर आप यूज़ कर रहे हो, जो कि आपको सफारी ही यूज़ करना है अगर आप आईफोन यूज़र हो तो यही सबसे बेस्ट जो है ब्राउज़र है आईफोन्स के लिए। यहाँ पे जो है हम लोग मल्टीपल विंडोज़ ओपन करते हैं, मल्टीपल टैब्स ओपन करते हैं तो हर एक टैब की जो है आप ब्राउजिंग हिस्ट्री भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो आप ओवरऑल जो है ब्राउजिंग हिस्ट्री यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कभी कभी हम लोग अगर कोई पर्टिकुलर टैब चेकआउट कर रहे हैं तो उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है कैसे देखना है वो जनरली लोगों को नहीं पता होती, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इस टैब के अंदर जो है मैंने बार बार जो है अलग अलग वेब पेजेस खोला है तो इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखने के लिए यहाँ पे जो नेविगेशन की है बैक वाला, इसको जो है प्रेस एंड होल्ड करके मुझे रखना है और इस पर्टिकुलर टैब का जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो फिर हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हिस्ट्री में हमको जो कोई भी लिंक खोलना है यहाँ पे टैप करके हम ओपन कर सकते हैं। iOS 13 के ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसमें जो आखिरी टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी काफी यूजफुल है। स्क्रीनशॉट जब कभी हम लेते हैं तो जनरली मैंने देखा है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद लोग इस तरीके से जो है इसको ओपन करते हैं, हालांकि उनको एडिट नहीं करना होता है, उसके बाद यहाँ पे जो है शेयर पे टैप करके उसको शेयर करते हैं, लेकिन ये टोटली जो है वेस्ट ऑफ टाइम है। यहाँ पे आप जो है क्विकली स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने एक बार ले लिया, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट जो है मिनिमाइज होकर आ जाता है, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, यहाँ पे डायरेक्टली जो है शेयर शीट ओपन हो जाती है और जिस किसी के साथ आपको शेयर करना है आप डायरेक्टली यहाँ से उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों iOS 13 के 10 और अच्छे सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स जो आपके iOS 13 के और अपने iPhone के यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मैं लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने पहला वाला पार्ट जो है नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में चेकआउट कर लीजिए, उसका लिंक वहाँ पे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।